फ्रंट पे अगर हम देखें तो हमारा ये एक स्टॉप बटन एक स्टार्ट बटन होता है। स्टार्ट बटन से कैंसिल प्रोग्राम को कैंसिल किया जाता है और डोर क्लोज होगा। माइक्रोवेव के अंदर जो लाइट जलती है वो लाइट बंद हो जाएगी। ये रिले जैसे ही बंद होगी लाइट को बंद कर देगी और हमारी सिस्टम हमारी जो है ये ट्रांसफार्मर मिलने लगेगी रिले के थ्रू। अब जो ये न्यूट्रल आ रहा है, न्यूट्रल हमारा ये भी एक डोर स्विच के थ्रू आता है। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको माइक्रोवेव की पीसीबी के बारे में कि वर्किंग वो कैसे करती है। तो माइक्रोवेव की जो पीसीबी होती है, अगर माइक्रोवेव देखेंगे तो सामने उसके जो पीसीबी लगी होगी उसका डिस्प्ले कुछ इस तरीके से रहेगा। उसमें आपको दो तीन बटन दिए होंगे जिसके अंदर पहला माइक्रोवेव, दूसरा ग्रिल, तीसरा कन्वेक्शन। कुछ मॉडल ऐसे आते हैं जिसके अंदर माइक्रोवेव और ग्रिल दो ही ऑप्शन रहेंगे। किसी किसी में आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, माइक्रोवेव, ग्रिल और कन्वेक्शन। कुछ मॉडल ऐसे भी होते हैं जो पुराने पहले आते थे जिसमें तो उसमें सिर्फ माइक्रोवेव का ही ऑप्शन रहता था, ग्रिल कन्वेक्शन नहीं होता था। लेकिन अब जो लेटेस्ट जितने भी मॉडल आ रहे हैं उनमें ये तीनों ऑप्शन आपको मिलेंगे। फ्रंट पे अगर हम देखें तो हमारा ये एक स्टॉप बटन एक स्टार्ट बटन होता है। स्टार्ट बटन से कैंसिल प्रोग्राम को कैंसिल किया जाता है और स्टार्ट बटन से माइक्रोवेव को स्टार्ट किया जाता है। अब जब हम ये प्रोग्राम को जो भी चलाना है वो पहले हम स्टॉप का बटन दबाएंगे, फिर माइक्रोवेव का बटन दबाएंगे, यहां से टाइम लगाएंगे कितनी देर हमको चलाना है, उसके बाद में स्टार्ट कर देंगे, माइक्रोवेव हमारा चालू हो जाएगा। लेकिन जब माइक्रोवेव चालू होगा अगर हमारा डोर ओपन है तो हम स्टार्ट बटन को दबाते रहेंगे, स्टार्ट नहीं होगा। जब तक डोर लॉक नहीं होगा तब तक स्टार्ट बटन नहीं काम करता है। इस पीसीबी की खासियत ये होती है कि इसके अंदर जो डोर सिस्टम दिया हुआ है वो डोर स्विच के तार हमको वो दो वायर हमको बाहर निकले हुए मिलेंगे और आगे जो डोर है उसके अंदर ये एक इंच लगा होगा यानी ब्रैकेट। ये ब्रैकेट इस लॉक में जाके फंस जाता है और उसके लॉक में फंसते ही इसके अंदर एक NONC का एक स्विच लगा हुआ है। जैसे ही हम डोर को लॉक करेंगे ये NONC का जो स्विच लगा हुआ है ये स्विच जो है वो ऑन हो जाता है और ये दोनों वायर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे ये कनेक्ट होंगे ये हमारी उसके अंदर एक मेन रिले लगी होती है, ये रिले ऑपरेट कर जाएगी। ये रिले ऑपरेट होते ही हमको सब तरफ निगेटिव सप्लाई मिलने लगेगी और जैसे ही हम स्टार्ट बटन दबाएंगे हमारी माइक्रो सिस्टम चालू होगा। तो माइक्रो के ऊपर दो एक रिले लगी होगी, उस रिले से हमारा माइक्रो सिस्टम चालू हो जाएगा। यही पोजीशन हमको ग्रिल में अगर लगाएंगे तो ग्रिल में भी जैसे स्टार्ट करेंगे तो ग्रिल की रिले ऑन होगी, माइक्रो की रिले बंद हो जाएगी। कन्वेक्शन जब हम चलाएंगे तो कन्वेक्शन स्टार्ट करते ही हमारी ग्रिल और कन्वेक्शन के दो रिले ऑपरेट करेंगी, माइक्रो की रिले बंद रहेगी। हर रिले के साथ ये एक मेन रिले रहती है, ये कॉमन रिले होती है। हर जितनी भी तीन रिले लगी होंगी ये तीनों रिलों के साथ में एक मेन रिले होती है। मेन रिले हमारी इस डोर के स्विच के साथ में काम करती है। डोर स्विच ओपन होगा रिले ओपन हो जाएगी, रिले ओपन होते ही हमको अंदर देखे जो लाइट लगी है वो लाइट ऑन हो जाती है। डोर क्लोज होगा माइक्रोवेव के अंदर जो लाइट जलती है वो लाइट बंद हो जाएगी, ये रिले जैसे ही बंद होगी लाइट को बंद कर देगी और हमारी सिस्टम पूरा नॉर्मल रहेगा। जैसे ही स्टार्ट बटन दबाएंगे तो माइक्रो की भी रिले चलेगी और मेन रिले भी चलेगी। मेन रिले का जो पर्पज होता है वो जब स्टार्ट होगी तभी मैग्नेट ऑन के लिए निगेटिव निकालेगी, ग्रिल के लिए न्यूट्रल निकालेगी और कन्वेक्शन के लिए न्यूट्रल निकालेगी। अंदर जितने फैन बल्ब जो भी चल रहा है उसके लिए ये हमारा कॉमन रिले होती है, ये हमको सब न्यूट्रल जो है वो इसी से मिलता है। फेस हमको ये रिले जो है ये फेस हमको निकाल के देती है। तो इनका जो सर्किट डायग्राम होता है वो इस टाइप से रहेगा कि जो मेन रिले है, अब इस डोर में हमको दो स्विच और ऊपर लगे हुए मिलेंगे जो काम करते हैं ऑन और ऑफ के। ये हमारा न्यूट्रल आ रहा होगा, ये लाइन आ रही होगी, ये दो डोर स्विच लगे होंगे। तीसरा डोर स्विच जो होगा ये पीसीबी के लिए होता है,
ये दो स्विच जो हमारा होता है ये दो स्विच हमारा ये पीसीबी पे काम करता है। पीसीबी के जो दोनों वायर हैं ये दोनों वायर हमारे पीसीबी को चले जाते हैं, लेकिन ये दो स्विच जो ऊपर लगे होंगे ये ऊपर एक न्यूट्रल पे काम करेगा एक लाइन पे काम करेगा। ये जैसे ही हम डोर को बंद करेंगे ये दोनों उसमें नॉर्मल क्लोज में आ जाएंगे और ये हमको लाइन आगे दे देंगे। ये लाइन हमारी जो ये माइक्रोवेव की रिले है इस रिले के दो पॉइंट बने होंगे, एक पॉइंट पे चला जाएगा और दूसरे पॉइंट से निकल के ये मैग्नेट्रॉन का जो ट्रांसफार्मर लगा है HVT उस पर ये ट्रांसफर हो जाएगा। ये स्विच हमारा ये जो रिले है ये हमारी रिले ये काम कर रही है। तो जैसे ही हम माइक्रो लगाएंगे स्टार्ट का बटन दबाएंगे ये रिले हमारी ऑपरेट कर जाएगी। ये रिले ऑपरेट करते ही डोर हमारा पहले से लॉक है तो न्यूट्रल हमारा यहां से ये होते हुए इसको मिलने लगेगा। ओ सॉरी मैं ये लाइन बना रहा था, ये न्यूट्रल है, ये लाइन हमारी जो है ये ट्रांसफार्मर को मिलने लगेगी रिले के थ्रू। अब जो ये न्यूट्रल आ रहा है न्यूट्रल हमारा ये भी एक डोर स्विच के थ्रू आता है। ये डोर स्विच ये जो न्यूट्रल है ये हमारा मेन रिले पे चला जाता है, ये होती है मेन रिले। ये मेन रिले के एक पॉइंट पे जाएगा और यहां से निकल के ये फिर ट्रांसफार्मर को चला जाएगा, ये बल्ब को चला जाएगा, यहीं से निकल के ये एक अंदर कूल करने के लिए एक फैन लगा होता है उस फैन पे चला जाएगा। ये फैन पे चला जाएगा। अब इसको फेस और इसको फेस, ये बल्ब को और फैन को, ये फेस हमको जो है कुछ पीसीबीओ में देखने को मिलेगा यहीं से जॉइंट हो जाते हैं, कुछ के लिए इसी में एक छोटी से एक और रिले लगा दी जाती है उस रिले के थ्रू इसको ऑपरेट किया जाता है कि जब वो रिले ऑपरेट करेगी तो ये हमारा फैन और बल्ब जलेगा। लेकिन इसी के साथ में एक हमको टर्न टेबल यानी माइक्रोवेव में जब हम खाना रखते हैं तो उसके नीचे एक प्लेट घूमती है, उस प्लेट के मूवमेंट में एक छोटी सी मोटर लगी होती है वो भी 220 वोल्ट की होती है। ये मोटर जो लगी होती है इसमें भी दो वायर होते हैं, ये 220 वोल्ट की होगी। इस मोटर को भी एक न्यूट्रल तो हमको यहीं से ये ऑन देना पड़ता है कि जब हमारी मेन रिले ऑपरेट करेगी तो ही ये इसको न्यूट्रल मिलेगा और दूसरा फेज जो है वो हमको ये HVT के ट्रांसफार्मर के थ्रू दिया जाता है। किसी किसी माइक्रोवेव में यही वायर जो है हमारा यहाँ से डिस्कनेक्ट होकर इसको फैन के थ्रू देते हैं कि जितनी देर फैन चलेगा उतनी देर ये हमारा टर्न टेबल चलता रहेगा। इसका ये माइक्रोवेव का ये प्रोसेस जो होता है वो नॉर्मली तीन स्विच आपको डोर में मिलेंगे, एक दो और ये तीन, किसी किसी में इसी को चार में कन्वर्ट कर देते हैं, किसी में दो में कन्वर्ट कर देते हैं। दो में क्या कैसे कन्वर्ट करेंगे कि एक दो ये हमारा लाइन का स्विच रहेगा, न्यूट्रल हमारा कॉमन रहेगा और जो ये डोर स्विच है ये हर माइक्रोवेव में कंपलसरी है, एक ये डोर स्विच दिया रहेगा। जैसे ही हम चलते हुए माइक्रोवेव में डोर को ओपन करेंगे ये सारे स्विच हमारे ओपन हो जाएंगे, ओपन होते ही हमारे सारे कनेक्शन के पीसीबी से जो सप्लाइयां निकल रही थी वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगी। सबसे बड़ा जो सेफ्टी प्रिकॉशन वो होता है वो ये होता है ये वाला डोर स्विच, ये डोर स्विच जैसे ही हमारा ओपन होगा ये सारी रिले ऑटोमेटिक कट ऑफ कर जाएंगी यानी बंद हो जाएंगी। तो इस डोर स्विच का बहुत महत्व होता है। बाकी जो और स्विच है ये हमारे स्विच हैं कि अगर ये स्विच हमारा फेल हो जाएगा तो लाइन यहां से यहां तक नहीं पहुंचेगी, या अगर ये डायरेक्टली हो जाएगा तो लाइन हमारी यहां से यहां तक डायरेक्ट पहुंचने लगेगी।
लेकिन उसकी भी सेफ्टी के लिए यहाँ के ऊपर एक रेल लगी रहती है, जो माइक्रोवेव की जैसे रेले है उसी टाइप से ग्रिल की लगी होगी, वैसे ही कन्वेंशन की लगी होगी। अब ये माइक्रोवेव की रिले की अगर शॉर्ट हो जाती है, यानी अब यहाँ से जो सप्लाई चली वो डायरेक्टली हमारे ट्रांसफार्मर पर जाने लगेगी, तो होता यह है कि जैसे ही मैंने डोर बंद किया तो मैग्नेट्रॉन हमारा ऑन हो जाएगा और चलने लगेगा।